हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 24 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है टू फाइंड स्क्वेयर रूट, कि किस तरह से हम स्क्वेयर रूट निकाल सकते हैं एंड गेम टर्न आउट टू अ मैथमेटिकल गेम। और जो गेम खेलते खेलते आप कैसे जो है गेम को मैथमेटिकल गेम बना सकते हो और कैसे खेल खेल में मैथ सीख सकते हो वो आप इस वर्कशीट में जानेंगे। सो प्रिया एंड रिया प्लेड अ गेम ऑफ रोप स्किपिंग। रोप जो स्किपिंग है उसका गेम खेलती हैं प्रिया एंड रिया ऑन देयर रूफ। रिया टोल दीदी वी विल प्ले गेम बाय अ न्यू मैथड टूडे। तो आज हम एक नए मैथड से गेम खेलेंगे। रिया कहती है यू विल स्किप रोप सिंगल टाइम। तो आप एक बार रोप को जो है स्किप करेंगी एंड देन आई विल स्किप द रोप टू मोर देन यू। तो वो जो है प्रिया फिर क्या करेगी उससे दो ज़्यादा, यानी पहले एक बार किया तो उसमें फिर दो जोड़ दीजिए तो कितनी बार करेगी वो तीन बार करेगी। अगली बार रिया क्या करेगी तीन में फिर से दो जोड़ दीजिए वो फाइव टाइम स्किप करेगी। ओके देन यू विल स्किप द रोप टू मोर देन मी एंड देन टोटल फाइव टाइम। देन आई विल अगेन स्किप द रोप टू मोर देन यू देन टोटल सेवन टाइम। इस तरह से हर बार वो जो है टू इंक्रीज करती चली जाएंगी एंड हुएवर विल गेट टायर्ड, और जो थक गया एंड नॉट बी एबल टू स्किप रोप फर्दर शी विल लूज द गेम, वो हार जाएगा। गेम स्टार्टेड एंड लास्ट प्रिया स्किप 21 टाइम एंड व्हेन रिया स्टार्टेड टू स्किप 23 टाइम शी कुड नॉट स्किप 11 टाइम, शी कुड ओनली स्किप 11 टाइम एंड टोल्ड हर सिस्टर दैट यू हैड वॉन द गेम। वो नहीं कूद पाई और उसने क्या किया उसने जो है 11 टाइम्स करके ही उसको जो है लेफ्ट कर गई। नाउ दीदी वी शुड ऐड हाउ मेनी टाइम्स वी बोथ हैव स्किप द रोप। सो हमें जो है उसको देखना चाहिए कि हमने कितनी बार रोप स्किप की। प्रिया सेड दैट यस लेट्स डू, तो आओ करते हैं। रिया सेड दैट दीदी लुक द मैजिक केयरफुली, तो वो कहती है कि आप जो है ध्यान से देखिए मैजिक होने वाला है। तो बेटा ये मैजिक हम भी देखेंगे क्या मैजिक हुआ है यहाँ पे। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ देयर अटेम्प्ट्स ऑफ स्किपिंग, तो हम उसकी जो स्किपिंग थी उसकी कैलकुलेशन करेंगे। प्रिया जो है कितने टाइम जंप करती है वन टाइम। अब रिया क्या करेगी उससे टू मोर, तो यहाँ पे वो थ्री टाइम जंप करती है प्लस टू। प्रिया क्या करेगी फिर थ्री से उसमें टू प्लस करेगी तो फाइव टाइम्स जंप करेगी। यानी आप देखेंगे हर बार टू टाइम्स ज़्यादा होगा, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एंड 21 हर टाइम टू टाइम ज़्यादा है। अब यहाँ पर अगर हम सम करते हैं तो देखिए 1, 4, 9, 16, 25, 36 बेटा आप इनको जोड़ोगे तो ये आपको मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप एक और चीज़ देखें तो देखिए 1 का जो है स्क्वेयर हम लिखेंगे 4 2 का स्क्वेयर है, 9 3 का स्क्वेयर, 16 4 का स्क्वेयर है, 25 5 का स्क्वेयर है एंड 36 6 का स्क्वेयर है। इस तरह यानी जो भी हमारे पास ये नंबर आए ये क्या है ये जो है स्क्वेयर रूट हैं इन डिजिट्स के। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए 1 क्या है ये सम ऑफ फर्स्ट ओड नंबर 1 हो गया। अगर हम 2 नेक्स्ट ओड नंबर का सम करें तो वो कितना आता है 4 आता है, तो वो किसका रूट है वो है स्क्वेयर रूट ऑफ 2। ओके इसी तरह 9 3 का स्क्वेयर रूट एंड 16 4 ठीक है 4 का स्क्वेयर होगा 16, 5 का स्क्वेयर 25, 6 का स्क्वेयर 36, 7 का स्क्वेयर होगा 49, 8 का स्क्वेयर होगा 64, 9 का स्क्वेयर होगा 81। तो इस तरह से जब भी हम ऐसे लगातार ओड नंबर्स को क्या करेंगे प्लस करेंगे तो हमें इस तरह स्क्वेयर रूट्स जो है वो मिलेंगे। और अगर आप देखें देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अगर आप 5 को यानी 5 ओड नंबर को प्लस करते हो तो आपके पास 5 का स्क्वेयर रूट मिलेगा ठीक है। अगर आप 6 को करते हो तो 6 का रूट आएगा 36। अगर आप 7 को करते हो तो 7 का स्क्वेयर आपको मिलेगा 49। ओके तो ये मैजिकल नंबर्स जो है हमें यहाँ से देखने को मिले। नेक्स्ट वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द स्क्वेयर रूट ऑफ एनी नंबर यूजिंग दिस मैथड। सो हम किसी भी नंबर का स्क्वेयर रूट यहाँ से निकाल सकते हैं। प्रिया पूछती है हाउ। रिया दीदी लुक हियर इफ आई वॉन्ट टू फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ द नंबर 25 देन 5 इज द स्क्वेयर रूट। अब देखिए हमने क्या किया हमने अगर 25 का यहाँ पे हमें स्क्वेयर रूट अगर हमें 25 का स्क्वेयर मिला है 5 का स्क्वेयर ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि 5 ओड नंबर हमने यहाँ पे क्या किए हैं ऐड किए हैं 25 तब हमें मिला। अगर हम 25 में रिवर्स इनको हम माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा हमें इसका स्क्वेयर मिल जाएगा।
ठीक है, इसका अंडर रूट हमें मिल जाएगा। अब देखिए इसका अंडर रूट हम कैसे निकालेंगे। इफ आई वॉन्ट टू फाइंड स्क्वेयर रूट ऑफ द नंबर 25, देन 5 इज द स्क्वेयर रूट ऑफ 25। इफ इट सब्ट्रैक्टिंग कंसिक्यूटिव ओड नंबर वी गेट जीरो। सो हमें लगातार सब्ट्रैक्ट करते जाना है तो हमें स्क्वेयर रूट मिलेगा 25 का। तो देखिए इसमें कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए नंबर 1 पे हमने क्या किया, 25 में से फर्स्ट ऑड नंबर माइनस किया 24, 24 में से नेक्स्ट नंबर सेकंड पे हमने 3 माइनस किया तो कितना आएगा यहाँ पे 21, थर्ड नंबर पे 21 में से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है हमारा 5, ये माइनस किया हमारे पास आया 16, फोर्थ पे किया 16 में से 7, सो कितना आया यहाँ पे आया 9, एंड फिफ्थ नंबर पे हमने 9 में से 9 जो है सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 0। अब जीरो आया है इट मीन्स कितने जो है सीरियल नंबर पे आया है, फाइव, फिफ्थ पे आया है, तो यानी जो फिफ्थ 5 है वो क्या हो जाएगा उसका स्क्वेयर रूट हो जाएगा किसका, 25 का। ओके, तो इस तरह से हम स्क्वेयर रूट निकाल सकते हैं। अब नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। हाउ मेनी टाइम्स प्रिया एंड रिया बोथ हैड स्किप द रोप। तो प्रिया एंड रिया ने दोनों ने कितनी बार जो है रोप स्किप की, तो ये बेटा यहाँ से हमने टोटल किया है लगातार, हम टोटल यहाँ से देखिए इतनी बार उन्होंने लगातार की, उसने एक बार, उसने फिर 3, देन 5, 7 इस तरह से, तो टोटल हमारे पास कितना आया, टोटल आया 121। सो टोटल कितनी बार स्किप की, टोटल की 121। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स प्रिया हैड स्किप द रोप। तो प्रिया ने कितने टाइम स्किप की, तो प्रिया की हम काउंट कर लेंगे। देखिए प्रिया ने 1, देन प्रिया 5, देन 9, देन 13, देन 17 एंड देन 21। इनको अगर आप टोटल करते हो तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 66। ठीक है, यहाँ से 121, यहाँ से आएगा आपका 66 आंसर। अब नेक्स्ट क्या कहता है, हाउ मेनी टाइम्स रिया हैड स्किप द रोप, कि रिया ने कितनी बार की। तो 121 में से अगर आप 66 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 55। तो रिया ने कितनी बार स्किप की, रिया ने की 55 टाइम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक, हु हैज वोन द गेम, प्रिया और रिया। तो बेटा आपको क्या लगता है किसने गेम जो है यहाँ पे जो है हु इज विनर। सो यहाँ पे देखिए जो प्रिया है उसने 66 टाइम स्किप की है और रिया है 55, तो कौन है विनर यहाँ पे, प्रिया। ओके, प्रिया वॉन द गेम। नाउ चेक फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स वेदर दे आर स्क्वेयर ऑफ एनी होल नंबर और नॉट, ऑल्सो फाइंड आउट द स्क्वेयर रूट इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वेयर। आपको यहाँ पर ये फिगर्स देखनी है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा परफेक्ट जो है होल नंबर स्क्वेयर है या नहीं है। ओके, तो आप यहाँ से कैसे करेंगे, देखिए हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि हम जो है हम यूनिट जो प्लेस है वो देखते हैं फर्स्ट प्लेस। तो यहाँ पर 8 अगर है, 7 है, 3 है, तो ये अगर यूनिट प्लेस पे हैं तो ये नंबर अगर हैं तो वो स्क्वेयर रूट नहीं हो सकता। ओके, वो किसी भी नंबर का स्क्वेयर नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे कि 128 है, ये नहीं होगा, 289 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यूनिट प्लेस देखें 9, तो ये जो है 3 का स्क्वेयर जो है यहाँ पर है, 3 × 3 तो कितना हो गया 9, तो ये हो जाएगा। 77 नहीं होगा, 144 हो जाएगा, 4 जो है वो 2 का स्क्वेयर है। ओके, ये हो जाएगा, और 153 भी नहीं होगा। ओके, सो दीज आर द नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे हमें 289 और 144 का क्या निकालना है, यहाँ पे स्क्वेयर रूट निकालना है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वेयर हैं तो इसलिए हम इनका क्या निकालेंगे, स्क्वेयर रूट निकालेंगे। तो आइए बेटा निकालते हैं, आपको इसी मेथड से निकालना है जो आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन मेथड दिया गया है। सो देखिए यहाँ पे हम 289 का निकालेंगे पहले, 289 में से हम 1 माइनस करेंगे, 288 हो जाएगा। आफ्टर 288 आप इसी तरह से देखिए नंबर 2 पे नेक्स्ट जो ओड नंबर है उसको हम माइनस करेंगे 285, देन 5 280, देन 7 273, देन 9 264, देन 11 253, देन 13 240, देन 15 225, और इस तरह से आप लगातार जो है तब तक इनको सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे नेक्स्ट ओड नंबर्स को, जब तक कि आप यहाँ पर ज़ीरो आपको नहीं मिल जाता। लास्ट में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर ज़ीरो मिला एट नंबर 17। ओके, सो 289 का जो है स्क्वेयर रूट आप जो इंग्लिश में लिख लीजिए, द स्क्वेयर रूट ऑफ 289 इज इक्वल टू 17। ओके, स्क्वेयर रूट ऑफ 289 इज इक्वल टू 17। सो 289 का स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा, 17, क्योंकि 17 नंबर पे हमें ज़ीरो मिल गया है। तो इसी मेथड से बच्चे आप जो है
ये निकालेंगे, और हम 144 का भी इसी मेथड से निकालते हैं। तो आइए बेटा करते हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट 144 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखिए 1 माइनस करेंगे 143, इसी तरह 143 में से 3 माइनस करेंगे 140, 140 में से 5 करेंगे 135, 135 में से 7 करेंगे 128। इसी तरह आपको जो है तब तक इसको माइनस करते रहना है नेक्स्ट ऑड नंबर को, जब तक कि आपको जीरो जो है नहीं मिल जाता। अब देखिए जीरो मिला कितने सीरियल नंबर पे, 12 पे। तो 144 द स्क्वेयर रूट ऑफ 144 इज 12, आप लिख लीजिएगा ऐसे ही, द स्क्वेयर रूट ऑफ 144 इज 12। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।